मददगार परी एक बार की बात है एक अनोखे गांव में आर्या नाम की एक जादुई परी रहती थी आर्या जरूरतमंद लोगों की मदद करने की अपनी असाधारण क्षमता के लिए जानी जाती थी एक दिन लिली नाम की एक छोटी लड़की ने अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण खुद को अपने माता पिता से अलग पाया खोया हुआ और अकेला महसूस करते हुए लिली के आंसुओं ने आर्या का ध्यान खींचा जो एक चमकदार चमक में दिखाई दी दयालू परी ने लिली की सहायता करने और उसे जीवन की यात्रा में मार्गदर्शन करने का वादा किया आर्या ने लिली को एक जादुई पेंडेंट दिया जो कि जब भी उसे मार्गदर्शन या समर्थन की आवश्यकता होगी तब चमक उठेगा जैसे जैसे साल बीतते गए लिली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन जब भी वह अभिभूत महसूस करती थी तो जादुई पेंडेंट ने उसका रास्ता रोशन कर दिया आर्या की अदृश्य उपस्थिति हमेशा वहां थी जो लिली को बड़े होने की जटिलताओं से निपटने में मदद करने के लिए प्रोत्साहन और ज्ञान के शब्द प्रदान करती थी लिली की व्यस्तता की यात्रा में उसे विभिन्न परीक्षणों का सामना करना पड़ा धमकाने वालों का सामना करने से लेकर शैक्षणिक दबावों से निपटने तक हर बार आर्या के सौम्य मार्गदर्शन और जादुई हस्तक्षेप ने स्थिति को लिली के पक्ष में मोड़ दिया परी ने उसे लचीलापन दयालुता और स्वयं के प्रति सच्चे रहने का महत्व सिखाया अंत में जैसे ही लिली परिपक्वता की उम्र तक पहुंची जादुई पेंडेंट उसे एक हलचल भरे शहर में ले गया जहां एक भव्य उत्सव हो रहा था वहां भीड़ के बीच में लिली खुशी खुशी अपने लंबे समय से खोए हुए माता पिता से दोबारा मिल गई आर्या अपने असली रूप में उनके सामने प्रकट हुई उसके पंख मंत्र से चमक रहे थे दिल में कृतज्ञता के साथ लिली के माता पिता ने वर्षों तक उनकी बेटी का मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के लिए आर्या को धन्यवाद दिया आर्या ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ बताया कि यह लिली की अपनी ताकत और अच्छाई थी जिसने उसे आगे बढ़ाया था और परी केवल रास्ते में एक मार्गदर्शक थी